Hello student, in this video we are going to revise EVS for session ending examination class 5. This is second video of this revision. So all of you watch this video carefully with full concentration, like it, share it and don't forget to subscribe the channel. First one, what precautions should we take during the earthquake? मतलब earthquake में हमें कौन सी precautions लेनी चाहिए? अब options देखिएगा. First one, if possible, leave house and go to open place. मतलब है अगर आपको पॉसिबल है तो घर से तुरंत बाहर निकल जाओ और खुले में जाओ, ओपन स्पेस में जाओ. इसका कारण ये होता है कि अगर बिल्डिंग गिर गई, घर गिर गया या घर का कुछ सामान गिर गया तो आप हर्ट हो सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं. तो इसके लिए ओपन स्पेस में जाओ अगर पॉसिबल है तो. स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, गीजर है, आयरन है, जो भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस के पास है वहाँ से दूर हो जाए, क्योंकि उसके पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपको शॉक लग सकता है. थर्ड है, हाइड अंडर स्ट्रॉन्ग वुडन डोर आयरन फ्रेम. अब यहाँ पर बच्चों आप सोचेंगे डोर में कैसे हो, कभी कभी यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन करूँगा, इसको ओला बनाऊँगा, इसके इसके में टेबल, ये टेबल ज़्यादा सही रहता है. डोर की जगह टेबल ऑफ आयरन फ्रेम का हो या वुडन फ्रेम हो, तो टेबल हो तो टेबल के नीचे छुप जाओ. कारण क्या है कि अगर कुछ चीज़ गिरती है तो टेबल के ऊपर गिरेगी कि आप हर्ट नहीं होंगे. तो आपके घर में हम अलमीरा रखते हैं, अलमीरा के ऊपर कुछ चीज़ें रखते हैं, तो वो चीज़ें अर्थक्वेक से नीचे गिर सकते हैं, तो हमें इसे टेबल के अंदर छुप जाना चाहिए. एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल अबाव. यस, ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑल अबाव. ठीक है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन. तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव में भी काम आ सकता है. इसको लिख के याद करके जाओ, जिसको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना है वो लिखेगा, ऑब्जेक्टिव वाला क्लिक करेगा. कम टू सेकंड क्वेश्चन. अब हम यहाँ पर ये क्रोटॉन के बारे में, ये क्रोटॉन एक ट्री है, एक श्रब्स है, बहुत बड़ा ट्री तो नहीं है, उसके बारे में देखने वाले हैं. अब होता क्या देखिए, When the top layer of the soil becomes dry, जब भी soil का top layer ऊपर वाला हिस्सा dry हो जाता है, croton leaves bend and becomes limp. Croton नाम का जो छोटा सा shrubs है उसके leaves bend हो जाते हैं and becomes limp. This signal tells Bhaskara bhai Which part of his farm needs to be watered? मतलब अगर किसान ने ये पेड़, क्रोटॉन नाम के पेड़ खेत में कहीं कहीं लगाए हैं, तो खेती के किस हिस्से में पानी की आवश्यकता है और इरिगेशन करना है, पानी देना है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको ये क्रोटॉन नाम के जो श्रब्स है थोड़ा सा, तो उसके लीव से पता चल जाता है. नेक्स्ट, पिचर प्लांट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा. पिचर प्लांट्स आर सेवरल डिफरेंट कार्निवोरस प्लांट. ये कार्निवोरस प्लांट है, कार्निवोरस मतलब जो नॉन वेज खाता है. विच हैव मॉडिफाइड लीव्स नोन एज पिटफॉल ट्रैप्स. वो ट्रैप लगाता है और छोटे छोटे कीड़ों को वो पेड़ खा जाता है. A prey trapping mechanism featuring a deep cavity filled with digestive liquid. तो उनके पास एक ऐसी कैविटी बनी जाती है, उसमें अच्छी सुगंध आती है, कलर भी अच्छा होता है, तो बटरफ्लाई और छोटे छोटे कीड़े उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके अंदर गिर जाते हैं, और जैसे गिरेंगे उसके अंदर डाइजेस्टिव लिक्विड है, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, पेड़ उनको खा जाता है. सो इट्स कॉल्ड एज अ कार्निवोरस प्लांट एंड हम उसको पिचर प्लांट कहते हैं. नेक्स्ट,
कुछ चीज़ों के लॉन्ग फॉर्म आपके नोटबुक में यूज़ किए गए हैं, वो टेक्स्ट बुक में है। पहला है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, राइट डाउन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट फॉर्म्स और क्लिक द करेक्ट आंसर, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। सो CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संगठना है जो सरकारी नहीं होती, बिगर सरकारी प्राइवेट होती है। नेक्स्ट NBA, ये भी आपको है, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। NBA नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट वन, हु वॉज द कोच ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है वहाँ पर उनका कोच कौन था? ऑप्शन आ बच्चू खान, अफरीन नन, एंड इसका आंसर आपको अच्छे से पता है, बच्चू खान इज द कोच। नेक्स्ट वन, एक कुछ डेफिनेशंस है, लेबर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर। वर्क यूजुअली ऑफ हार्ड फिजिकल काइंड, मतलब जो फिजिकल वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, जैसे घर का निर्माण हो, कहीं गड्ढा खोदना हो, खेती में काम हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ सामान उठाने का काम हो, तो ये सारे आता है लेबर वर्क में आता है, इसमें आता है ये सारा लेबर वर्क में। तो लेबर का मतलब होता है ऐसा बंदा, ऐसा आदमी जो फिजिकली काम करता हो, हार्ड वर्क करता हो, उसको हम लेबर कहते हैं। नेक्स्ट है मुकदम। मुकदम क्या होता है? एजेंट फॉर शुगर कैन फैक्ट्रीज, अलग अलग कामों के लिए। एक तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, जो शुगर कैन फैक्ट्रीज है जहाँ पर, या इसको हम शुगर फैक्ट्रीज कहते हैं, जहाँ पर गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो वहाँ पर उस गन्ने को काटने के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ जो लोग काम करते हैं गन्ना काटने के लिए, उनको लेबर कहते हैं। और उनका मुखिया होता है, उनका एजेंट होता है, उनका हेड होता है, उनको कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं मुकदम। सो मुकदम इज एजेंट फॉर द शुगर कैन फैक्ट्रीज। अगर हमें कुछ काम लेबर को बताना है तो लेबर को नहीं बताने का, तो मुकदम को बताने का, क्योंकि वो बातें मुकदम की सुनती है, मुकदम उनको कंट्रोल करता है। सो मुकदम इज द एजेंट फॉर द शुगर कैन फैक्ट्रीज, आल्सो फॉर अदर फैक्ट्रीज, बाकी फैक्ट्री के लिए भी मुकदम होता है जो एजेंट होता है। कोच, अभी हमने देखा था बच्चू खान को। अ पर्सन हु ट्रेन पीपल टू कम्पीट इन सर्टन स्पोर्ट। कोच एक ऐसा पर्सन है वो लोगों को ट्रेनिंग देता है, लोगों को ट्रेनिंग देता है टू कॉम्पीट इन सर्टन स्पोर्ट, कुछ स्पोर्ट्स में कॉम्पीट करने के लिए, मतलब आपको जीतने के लिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, जो भी मेडल आपको जीत रहा है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करने वाले बंदे को कोच कहते हैं। नेक्स्ट, बोट यूज इन जम्मू एंड कश्मीर इन दाल लेक कॉल्ड एज, जो दाल लेक में बोट यूज होती है उसको क्या कहते हैं? बच्चों इसका आंसर तो डोंगा है, लेकिन ये बाकी जो तीन बोट है ना, हाउस बोट, शिप, शिकारा, तो हाउस बोट क्या है, कहाँ यूज होता है वर्ड, इसका मीनिंग क्या है, शिकारा क्या होता है? तो एक काम करिए, आपके पेज नंबर 120 ओपन करिए, वहाँ बहुत सारे पिक्चर दिए हुए हैं, आपके EVS का टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे हम, ठीक है? तो हम देखते हैं ये पेज आपको ओपन करके क्या क्या मिलता है। बच्चों ये देखिए, पेज नंबर 120 हमने ओपन कर लिया है, यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है, हाउस बोट के बारे में लिखा हुआ है। ये हाउस बोट, ये यहाँ लिखा हुआ है हाउस बोट, ठीक। टूरिस्ट हु कैम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट। हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग एज 80 feet अराउंड, 8 to 2 feet वाइड, तो 80 से 90 feet लंबा और 8 से 9 feet चौड़ा, 10 feet तक ये होता है हाउस बोट, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए, डोंगा क्या है। मेनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन डोंगा, दीज बोट्स कैन बी सीन इन दाल लेक एंड झेलम रिवर फ्रॉम इन साइड, द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम। तो डोंगा एक घर है, सिंपल, बोट के ऊपर बना हुआ घर है,
और ये दाल लेक में आपको देखने के लिए मिलता है। तो डोंगा का फिगर आप देख लीजिए, ये डोंगा है वो दाल लेक में लोग इसको रहने के लिए यूज़ करते, सिंपल एक घर है उनका पानी के ऊपर का। तो ये हो गया दाल लेक। तो ये एक नक्काशी है, ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट। हाउस बोट के ऊपर ऐसी बढ़िया सीलिंग बनाई जाती है। दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड एज अ खत्म बंद। इस डिज़ाइन को खत्म बंद कहते हैं। विच ए पैटर्न दैट लुक लाइक्स अ जिग्सॉ पजल। जिग्सॉ पजल जैसे दिखता है लेकिन इसको खत्म बंद कहते हैं वहाँ पर। देखिए ये क्या है, इन विलेजेस ऑफ कश्मीर हाउसेस आर मेड अप फ्रॉम द स्टोन्स कट एंड केप्ट वन ऑन टॉप ऑफ अनदर एंड कोटेड विथ मड। वुड इज ऑल्सो यूज टू हाउस स्लोपिंग रूफ। तो इस तरह के पत्थर और मिट्टी से घर बनते हैं, उनके लकड़ी का भी यूज होता है और स्लोप होते हैं घर के ऊपर। ये नक्काशी लिए, सम ऑफ द हाउसेस हैविंग स्पेशल टाइप्स ऑफ विंडोज विच कम्स आउट ऑफ द वॉल। मतलब दीवार के बाहर ये विंडो आती है, कॉल्ड एज अ डैब। इस विंडो को डैब कहा जाता है। और ये देखिए, द ओल्ड हाउसेस हेयर आर मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स एंड वुड, द डोर्स एंड विंडोज हैव ब्यूटीफुल आर्क्स। तो ये आर्क से बना हुआ है। तो ये हमने तीन घरों के बारे में देखा बेसिक, दो यहाँ पर हमने बोट बारे में देखा है। अब कुछ बोट और भी है, ये देखिए, ये छोटी बोट किस तरह है। टूरिस्ट एंजॉय द शिकारा राइड ऑन दाल लेक। रहने के लिए अलग बोट है, राइडिंग के लिए अलग बोट है। तो ये वाली जो बोट है ये इसको शिकारा कहते हैं। तो क्वेश्चन जिस तरह से आएगा, कभी आपको पिक्चर देंगे, कभी उसका काम पूछेंगे। राइडिंग के लिए पूछेंगे तो दाल लेक, राइडिंग के लिए पूछेंगे तो दाल लेक, एंड रहने के लिए है तो हाउस बोट। और जम्मू कश्मीर के लोग जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं डोंगा। जम्मू कश्मीर के लोग जिनका अपना घर है, ये टूरिस्ट के लिए नहीं होता डोंगा, टूरिस्ट के लिए नहीं होता, टूरिस्ट के लिए होता है हाउस बोट एंड शिकारा। तो चलिए, आपको मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज डेंस फॉरेस्ट। इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें डेंस फॉरेस्ट है, एंड इसका सिंपल आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इंडिया में अरुणाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ लोग बहुत कम रहते हैं और मैक्सिमम फॉरेस्ट है, वो भी डेंस फॉरेस्ट है। इसको हिंदी में कहते हैं घना जंगल। तो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को हर दिन दो बार देखें, तीन बार देखें, लिखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाए।